हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं यादव खाद बीज भंडार का यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। कपास का बीज चूज कर लिया तो इसमें देखो आगे चलकर जो खरपतवार की समस्या देखने को मिलती, तो हम ऐसा क्या करें कि हमें अपनी कपास के खेत में खरपतवार देखने की समस्या ये ना मिले और आगे स्प्रे ना करने पड़े खरपतवार को खत्म। अब खरीफ की फसल किसान भाई लगाने जा रहा है तो हम इसको मूंगफली और कपास की फसल के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें अधिकतर खरपतवार जनरेशन होती है और किसान भाई इसमें मजदूरों द्वारा भी खरपतवार को नियंत्रित करवाता है और स्वयं दवाई वगैरह भी नियंत्रित करता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हम पहले ऐसा क्या डालें जिससे हमारे खेत में खरपतवार जनरेशन नहीं हो। तो जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे अगर हम किसान भाई कपास की फसल लगा रहा है तो हमें देखो पेंडा मैथिलीन बासप कंपनी की और सोमोटोमो कंपनी की पेंडा मैथिलीन 38.7% ECL के नाम से आती है। इसमें यह साल्ट है तो हमें इसमें यह बासप कंपनी का 700 ml का डिब्बा आता है जिसमें 10 टंकी बनती है। इसका काम होता है जो खरपतवार आपका जाम चुका है उसको यह रोकेगी नहीं, और जो खरपतवार की जनरेशन नहीं हुई है मीन्स खरपतवार को जनरेशन पर नहीं आने देगी। इस दवाई का ये काम है और इसको हमें कब किस टाइम स्प्रे करना है। देखो इसका स्प्रे हम दो इस हर्बिसाइड का दो प्रकार से हम काम ले सकते हैं। एक तो जैसे कि हमने अपने खेत में पलेव कर रखी है तो इसके ऊपर हम इसको छिड़क कर भाजोत लगवा दें, पहला काम तो ये। और दूसरा काम क्या, जैसे कि हमने पलेव करके बिजाई करने के बाद ऊपर से छिड़काव करना है इसका और बाद में ऊपर से पानी देना है। जब पानी देने के बाद ये काम करें तो पहला बेस्ट तरीका रहेगा हम पहले ही इसको खेत में डाल दें और उसे मृदा को मिक्स कर उसको अपने खेत को तैयार करें। तो और इसको किस टाइम डाला जाए, तो अब जैसे कि हम बात करते हैं अपने खेत में पानी देकर और इसका स्प्रे कर तो हमें अपने खेत में भाजोत लगवानी उसी टाइम, और भाजोत लगवाने के बाद हमें अपने कपास की बिजाई कर सकते हैं। जो खरपतवार जाम गया है इसको नहीं रोकेगी, जो जनरेशन नहीं हुई इसी खरपतवार को पेंडा मैथिलीन रोकेगी 38.7% जिससे छिड़काव हमें शाम के टाइम करना है। स्प्रे हम कपास की फसल और मूंगफली की फसल में कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और यह खरपतवार को बहुत ही अधिक नियंत्रित करते हैं अगर जनरेशन नहीं हुआ है। तो आप सभी देख रहे हैं यादव खाद बीज भंडार का यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम फसल के संबंधित सभी वीडियो आप सभी के यूट्यूब चैनल पर लाते रहेंगे, यादव खाद बीज भंडार के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। आज हमारा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए भेज दिया गया है तो ये जल्दी मोनेटाइजेशन हो जाएगा तो हम आप सभी को अगली वीडियो सूचना दे देंगे। अगर इसे मोनेटाइजेशन हो या नहीं हो हम आपको रेगुलर वीडियो इस पर देते रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर।